नीरा बहन मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी जी की माता जी नू एक चिट्ठी लिखी गई सी। साडे एक संस्कृति है कि जदों कोई बच्चा साडा कहना नहीं मानता, समाज में कोई ऐसा काम करता जिहड़ा समाज लिए ठीक नहीं हुंदा, तां असीं उहनां दी आम तौर पर कंप्लेंट उहनां दे मदर नू जां उहनां दे फादर नू करदे हां। सीधी सीधी मोदी जी होरां दी, साडे प्रधानमंत्री जी होरां दी शिकायत की गई कि ये किसानां दे दर्द नू नहीं समझ रहे। मेरा एक दर्द सीगा क्यों ना उन्होंने मदर नूं ये कहा जाए कि जे साडे आम लोगों की गल नहीं सुनते तो शायद वो अपने माँ की सुन लैन। आप देखते हैं कि चैनल्स के अपने मदर को बहुत जाते हैं, इदा सूँ महसूस होंगे टीवी चैनल्स से या अखबारों कि अपनी माँ की बहुत ज़्यादा रिस्पैक्ट करते हैं। दिसंबर के मैं लगता वो चिट्ठी लिखी गई थी, उसका कोई रिप्लाई आया नहीं? उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, एजेंसिया के फोन आए। हाँ जी, हाँ जी, बकायदा आए जी फोन कि तुम उन्होंने चिट्ठी क्यों लिखी, मोदी सरकार को क्यों नहीं लिखी, उन्होंने मदर को क्यों लिखी, क्यों उसे थोड़ी गिरफ्तारी हुई सी, वो सारा मामला की सी। वो असी जयपुर भी गए सी, लखनऊ भी गए सी, शिमला भी गए सी, पर जिथे जिथे बीजेपी की सरकार आ उत्थे उत्थे साडी अरेस्ट हुई। किहड़े मुकदमे दे नाल ते की कह के थानू अरेस्ट किया गया? बिना परमिशन तो अंदोलन करना। वो केस हुण रफा दफा हो गया या फिर वो केस हले भी चल रहे? नहीं जी, वो स्टिल चल रहे। कदे डर नहीं लगता गिरफ्तारियां भी हुई ने उन्होंने नाल टाकरा लै रहे हो कले? सानू सिखाया गया भी सिख या तो हुक्मरान हुंदा ते या फिर बागी हुंदा, वो गुलाम नहीं हो सकता, ये सरकार सानू गुलाम करना चाहती है। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे तमाम दर्शकों का मैं शैशव नागरा स्वागत करना। दोस्तों, देश के विच किसानी अंदोलन चल रहा है तो इस दौरान एक शख्स वालों नीरा बहन मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी जी की माता जी नू एक चिट्ठी लिखी गई सी। वो चिट्ठी एक किसान वालों लिखी गई सी, क्यों लिखी गई सी, की उसके पिछे कारण सीगा, वो अज तुहानू दसांगे, क्योंकि मेरे नाल वो चिट्ठी लिखण वाले शख्स हरप्रीत मौजूद ने। सब तो पहला तो हरप्रीत स्वागत है तुहाडा। धन्यवाद जी बहुत, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी मैं जानना चाहवा कि जिहड़ी तुहाडे वालों मोदी जी की माता जी नूं एक चिट्ठी लिखी गई सी, वो चिट्ठी दे विच की लिखा गया सी ते मोदी साहब की माता जी नूं क्यों लिखी गई वो चिट्ठी? देखो, मैं एक दर्शकों को दस देना चाहना कि मोदी जी ने उन्होंने साढ़े बहुत सारिया जथेबंदियों वालों जिहड़ियां एग्रीकल्चर नाल इह साडे प्रधान जी हैगे ने लिखिया सी, उन्हां दा कोई रिप्लाई नहीं सी आया। तो मैं सोचिया कि जदों इह साडे आम किसानां दी गल नहीं सुन रहे साडे प्रधानमंत्री जां साडे होर किसानां दी गल नहीं सुन रहे तो सानू उन्हां दी मदर नूं एक कंप्लेंट करनी चाहिए है, क्योंकि साडी सृष्टि साडे एक सभ्याचार ते साडे एक संस्कृति है कि जदों कोई बच्चा साडा कहना नहीं मानता, समाज में कोई ऐसा काम करता जिहड़ा समाज लिए ठीक नहीं हुंदा, तो असीं उन्हां दी आम तौर पर कंप्लेंट उन्हां दे मदर नूं जां उन्हां दे फादर नूं करदे हां। चिट्ठी दे जरिए तुसीं उन्हां नूं उलांभा भेजा? हाँ जी बिल्कुल, वो एक सीधी सीधी मोदी जी होरां दी, साडे प्रधानमंत्री जी होरां दी शिकायत की गई कि ये किसानों के दर्द नूं नहीं समझ रहे कि जिहड़े तीन काले कानून पास किए गए हैं, किसान साढ़े उदों कड़ाके की सर्दी के दिल्ली दी सड़कों के साडे बच्चे साडियां मातावां साडे बजुर्ग जिहड़े वो तंग हो रहे थे, तो मैं मेरा एक दर्द सीगा क्यों ना उन्होंने मदर नूं ये कहा जाए कि जे साडे आम लोगों की गल नहीं सुनते तो शायद वो अपने माँ की सुन लैन। मैं एक भी जरूर जिक्र कर देना नागरा साहब, क्योंकि आप देखते हैं कि चैनल्स के अपने मदर को बहुत जाते हैं, आम तौर पर किसी न किसी प्रोग्राम से वो पहुँचते हैं कोई दिन त्यौहार से, तो उत्थे जाके वो बहुत इदा सूँ महसूस होंगे टीवी चैनल्स से या अखबारों से कि वो अपनी माँ की बहुत ज़्यादा रिस्पैक्ट करते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना उन्होंने एक मदर को ये कंप्लेंट की जाए ता जो अपने बच्चे को कह के ये तीन काले कानून है जिहड़े पास किए गए मोदी सरकार द्वारा उन्होंने रिपील कराने साडी मदद कर। ते उस चिट्ठी का तुहानू दिसंबर के मैं लगता वो चिट्ठी लिखी गई सी, उसका कोई रिप्लाई आया? नहीं, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, जबकि आना चाहिए सी। डेमोक्रेसी के विच ये सरकारां दा हक बनता है कि जदों भी कोई किसी किते नू किसी आम नागरिक नू कोई परेशानी है तो इन्हों का फर्ज बनता है कि वो संज्ञान लैन, क्योंकि ये तो बहुत वड्डा मुद्दा है जिहड़ा कि पूरे देश का मुद्दा है। पर अफसोस है कि ये उन्होंने मदर का या कोई सरकार द्वारा मैनू कोई भी किसी तरीके कोई कंसल्ट नहीं किया गया। इनफैक्ट बस एजेंसियों के फोन जरूर आए कि चिट्ठी तुम उन्होंने क्यों लिखी। एजेंसियों के फोन आए? हाँ जी, हाँ जी, बकायदा आए जी फोन कि तुम उन्होंने चिट्ठी क्यों लिखी, मोदी सरकार को क्यों नहीं लिखी, उन्होंने मदर को क्यों लिखी। बट वो साडा हक बनता है कि साडे दर्द है जे असीं उन्होंने मां शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार साडी गल सुनने तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार का जिहड़ा रवैया वो असीं सारे देख रहे हैं कि एक एरोगेंट रवैया है, बहुत डिक्टेटरशिप वाला रवैया, जिहड़ी मोनार्की अज तो 100 साल पहला चलती सी जिहनूं आपां राजाशाही कह दिंदे आ या डिक्टेटरशिप कह दिंदे आ,
सरकार सिर्फ मखौटा इन्होंने एक डेमोक्रेसी वाला पाया हो जबकि अंदर जोड़ा काम कर रहे हैं वो सिर्फ तो सिर्फ एक जोड़ा है डिकटेटरशिप वाला एक राजे वाला क्योंकि आप सारे जानते हैं जिन्या भी साड़िया एजेंसियां ने वो सरकार अपने अंडर कर चुकी है जिन्या पावर्स ने वो चाहे किसी भी स्टेट्स दिया ने वो अपनी सेंट्रलाइज कर चुके हैं जिमें कि मैं थोड़ा दर्शकों को दस देना चाहना कई बार पता नहीं लगता कि एजेंसियां केड़ियां ते पावर्स केड़ियां ने जिमें कि इन्होंने ये साडे टैक्स खत्म करके इन्हें जी एस टी लागू किया वो सारा टैक्स पहला सेंटर गौरमेंट के लिए आता फिर ही डिवाइड करते हैं बट वो भी पारशैलिटी करते हैं जिन्हों चाहते हैं वध देंगे जिन्हों चाहते हैं कट देंगे है जिहड़ी ये सी बी आई है इलैक्शन कमीशन है जां ई डी है जां होर कई तरह के अदारे हैगे आ जिहड़े पहला ये न्यूट्रल काम करते जिहड़ी कि पहला सरकारां सीगियां बट हुण ये मोदी सरकार दे अंडर आ चुके ने मीडिया का हाल तुसीं देख चुके हो मैं सिर्फ नैशनल मीडिया की गल कर रहा मैक्सीमम नैशनल मीडिया वो सोल्ड हो चुका है मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा मैं कोई इन्हों कोई पंप नहीं या पुश नहीं करना चाहता पर मैं सच कहना चाहना कोई इदा के साडे स्पोक्समैन वर्गे साडे वीर अगर इतने अंदोलन के अच्छे सच की आवाज़ दिखा रहे हैं तो मैं खुशी है तो मैं इस गल का भी माण है कि अज भी इंसानियत जिंदा है तो सच में दिखाने का जो मादा वो मीडिया अज रखता है तो असी उम्मीद कर सकते हैं कि असी कदे ना कदे जो सा जोड़ा है ये अंदोलन भी असी जितांगे तो ये साड़िया सरकार के कन्न भी खोलन तो ये मीडिया मदद करेगा। हरप्रीत जी बारे मैं एक होर थोनू गल दस देव शायद थोड़ू यह भी याद होगा कि इस अंदोलन के दौरान शिमले दे विच कुछ किसानों की गिरफ्तारी होंगी है तो वह किसान भी हरप्रीत हो रहे ने हरप्रीत की गलबात हुई सी क्यों उत्थे थोड़ी गिरफ्तारी हुई सी वो सारा मामला की सी। देखो जेड़ा नैशनल मीडिया है वो साडा प्रचार इदा कर रहा है कि दिल्ली दे विच दियां बरूहां ते खालिस्तानी आतंकवादी आ चुके हैं क्योंकि साडे आम तौर पर ट्रैक्टरां ते संतां दियां फोटोआं लगियां हुंदियां ते दिखाया गया देखो बंदूक है रफल है बट असी चाहते सी कि पूरे देश में यह पता लगना चाहिए कि जेड़ा इत्थे बैठा किसान वो कल्ला पंजाब तो नहीं पूरे देश तो राजस्थान तो हरियाणा तो यूपी तो या होर भी MP ते महाराष्ट्र तो भी इत्थे बैठे है सब धर्मां दे लोग बैठे है कोई कल्ला सिख नहीं बैठा ये असी दसना चाहते सी। वो असी जयपुर भी गए सी लखनऊ भी गए सी ते शिमला भी गए सी पर जिथे जिथे BJP दी सरकार आ उत्थे उत्थे साडी अरैसट हुई साड़ी अरैसट लखनऊ में भी हुई तो शिमला में भी हुई शिमला दे विच वो मीडिया में आने करके ज़्यादा थोड़ा जा लोगों के को उस खबर पहुँची तो वह भी एक डेमोक्रेसी का कहान सीगा कहिंदे जी उत्थे रिज़ ते जिहड़ा शिमला दे विच रिज़ बहुत वड्डा मशहूर है उन्होंने जगह उत्थे असी सिर्फ 3 बंदे बोर्ड लैके खड़े से तो सानू उत्थे 500 बंदा पुलिस का पहला लगा हुआ सानू उन्होंने अरैसट किया साडे ते FIR की जो कि एक डेमोक्रेसी विच साडा एक राइट बनता कि असी अपना हक रख सकते कि मुकदमे के नाल ते की कह के थोनों अरैसट किया गया। एक तो सीगा जी एक धारा 150 ते एक धारा 107 ऐ जी सीगी कि जिहड़ा बिना परमिशन तो अंदोलन करना वो धारा लाइया गई तो वो फिर साड़िया शाम को सानू जमानता करवानी पईआं पूरा दिन सानू अरैसट रखा गया तो साड़ी इंटरोगेशन हुई कि तुसी इत्थे क्यों आए हो तुसी पंजाब विच ये चीज़ क्यों नहीं करते असीं उन्होंने दस्या कि अंदोलन कल्ले पंजाब का नहीं ये पूरे देश का अंदोलन है तो हिमाचल साडा नेबरिंग स्टेट है। टाइम गिरफ्तार रहे तुसी ठाणे दे विच ते नाल दी नाल जिवें पुछा वो केस हुण रफा दफा हो गया या फिर वो केस हले भी चल रहा है? नहीं जी वो स्टिल चल रहा है तो साड़ी गिरफ्तारी है जी अराउंड 10 बजे हुई सी तो शाम को 5 बजे सानू जमानतां ते उत्थों SDM दे रिहा किया गया जो साड़ी जमानतां सी वो लोकल उत्थों दे साडे कुछ सिख वीर आए थे तो उन्होंने साडा उत्थे बाउंड भरे तो सानू उत्थों रिहा किया तो एक बहुत इंपोर्टेंट मैं गल कह देनी चाहना सानू जदों रिहा कर दिता गया तो असी गुरद्वारा साहब मत्था टेकन गए तो उत्थों एक पुलिस की जिप्सी आई वो कहिंदे जी इन्हां नू स्टेट विच नहीं रहन दिता जाएगा जदों कि साडा जमानत लैन तो बाद अधिकार है कि असी किते भी रह सकते हैं बट उन्होंने सानू जबरन उत्थों कढ़िया एक जिप्सी पिछे लाई साडी गड्डी दे वो कहिंदे जदों तक हिमाचल स्टेट क्रॉस नहीं करोगे सानू DGP दे ऑर्डर है कि तुहानू इत्थे हिमाचल दे विच असी रहन नहीं दांगे। कदे डर नहीं लगता गिरफ्तारियां भी हुई ने उन्होंने नाल टाकरा ले रहे हो कले जिन्हां दे सत्ता दे विच ने BJP पार्टी दे नाल तुसीं सीधा टाकरा ले रहे हो कदे हौसले डोलदे ने? नहीं नहीं देखो जी गल ये है जो सानू सिखाया जाता है मेरे हिसाब से इंसान उही बनता है जिवें मैं हमेशा कहिंदा हुन्ना कि पढ़ाई दो तरह की है एक धार्मिक ते एक दुनियावी सानू दोवें पढ़ाइयां पढ़नियां चाहीदियां साडे माँ बाप ने सानू हमेशा दोवें पढ़ाइयां ते फोकस किया है तो सानू सिखाया गया भी सिख या तो हुक्मरान हुंदा ते या फिर बागी हुंदा वो गुलाम नहीं हो सकता ये सरकार सानू गुलाम करना चाहुंदी है। साडे संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले भी कहिंदे सी कहिंदे भी जिहड़ा मौत दा मरना मरना नहीं हुंदा जमीर दा मरना मरना हुंदा है ते असी आपदी जमीर जगा के रखांगे असी सरकारां नू दस देंगे कि असी जिहड़ा हैगा असी थोड़ा हरेक टाकरा करन तैयार हैं क्योंकि साडे घर दे विच थोड़ा ये क्वेश्चन ठीक है कि दोस्तां दे ते घर च फैमिली दे कई बार फिक्र करदे आ ते मैं उन्हां नू दस दें
कि साढ़े शहीद ऊधम सिंह सराभा तो ये अगर ये भी जिना चाहते सी साढ़े गुरु भी आपके बच्चों चाहते सी कि वो सेफ रहन ते जिउन आपकी लाइफ जी के जान बट उन्होंने जदों न्याय होया तो खिलाफ़ वो लड़े तो शहादत हुई तो सो सानू भी उन्होंने पूर्णियां ते चलना चाहिए तो सानू इस गल तो कोई डर नहीं लगता जी। मैं थोड़े चैनल ही दस देना चाहना कि मैं कितने भी कोई न्याय हों तो मैं उत्थे जाके खड़दा ये मेरा एक इतिहास है तो मेरे जिहड़े जानन वाले वो इस गल नू बखूबी जानते हैं। वैसे जो मैं थोड़े बारे जानना चाहवा निजी तौर से कि किसान हो की करते हो अपने बारे जानकारी। हाँ जी मैं बेसिकली किसान है जी तो मैं किसानी नाल जुड़िया मैं किसी पार्टी नाल नहीं जुड़िया जी। इनफैक्ट मैं इत्थे किसी किसान अंदोलन जथेबंदी नाल भी नहीं जुड़िया होया पर इंसानियत नाते मैं हमेशा कितने भी कोई न्याय की गल हुंदी है वह चाहे कोई सिख नाल न्याय हो रहा चाहे हिंदू नाल हो रहा मुस्लिम नाल हो रहा चाहे वह किसी प्रकार का भी हो रहा उहदे विच मेरी हमेशा शमूलीयत रहिंदी है तो रहूगी और जब तक दुनिया रहेगी मैं इस अन्याय के खिलाफ़ लड़दा रहूँगा तो रब का दिता इन्ना क सरमाया है कि सानू किसी को कुछ मंगन की लोड़ कदे नहीं पाएगी तो रब कदे ना पाए। जब तक मैं रहूँगा जी तो मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूँगा मेरा यही जिंदगी का मोटिव है जी। की समझते हो कि हुण जे मैं किसानी अंदोलन की गल करा तो की समझते हो कि कित्थे तक पहुँच गया की प्राप्तियाँ की ने। देखो जी अगर मैं देखा तो ये साड़ियाँ प्राप्तियां ही प्राप्तियां ने तो मेरे मन में बड़ी खुशी होंगी है कि इस अंदोलन ने एक वर्ल्ड वाइड बहुत सारिया प्राप्तियां कीतियां ने। मैं अगर वन बाय वन थोनू दसा पहली प्राप्ति ये है कि साढ़े देश में यूनाइट किया सारे धर्म इतने एक होए ने साढ़े पंजाब दे विच जो एक साढ़े दे धब्बा लगा हुआ कि मुंडे नशेड़ी ने पतत हो गए खत्म हो गए वो इन्होंने प्रूव कर दिता कि असी पतत भी नहीं असी नशेड़ी भी नहीं असी भी गुरुआं दे पूर्णियां ते चल सकते हैं तो साड़ी स्पिरिट उदा ही है जिवें कि साढ़े बच्चों में 18वीं सदी सीगा तो ये अंदोलन जिहड़ा हैगा वो सरकारां हिलियां हुई ने जिवें तुसीं तां पत्रकार हो तुहानूं मेरे नाल वध पता है कि आर एस एस दियां बीजेपी दियां मीटिंग्स हो रही ने कि इन्हां दा ग्राफ हाशिए ते चला गया जिहड़ा करोना दे विच इन्हां दा देखिया तुसीं हाल कि किद्दां लाशां गंगा नदी दे विच तैर रही सी कुत्ते नोच नोच के खा रहे सी इदों वध किसी सरकार दा होर फेलियर की हो सकता। बीजेपी जिहड़ी सरकार है ये इंडिया दे विच खत्म हो चुकी है बंगाल दे विच तुसीं देखिया वह भी इस अंदोलन का ही असर है। सो इस अंदोलन का जिहड़ा जित पक्की है समा लग सकता समय विच मैं ज़्यादा नहीं कुछ ज़्यादा बोल सकता इहनूं 6 महीने लगनगे कि 2-4 महीने लगनगे बट सरकार अंदरों अंदरी डरी हुई है पूरा देश इस अंदोलन दे नाल है कोई सीधे तौर पर कोई असिधे तौर पर। सो दोस्तों ये सन हरप्रीत जिन्ना वालों उलांबे दे वजों एक चिट्ठी लिखी जाती है नीरा बहन मोदी जी जो कि नरेंद्र मोदी जी की माता जी ने उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जाती है इस किसान अंदोलन के बाबत कि किसान इतने कड़ाके की ठंड के उदों बैठे सी कि इन्ने माड़े हालातों के किसान सड़कों पर बैठे ने इन्हों की सुनी जाए तो मोदी साहब नूं ये अपील की जाए कि ये जिहड़ा मसला जल्द तो जल्द हल किया जाए। तुसी देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन कैमरे के पिछे मेरा साथ दिता मेरे सहयोगी शरद ने मैं शशम नागरा धन्यवाद।